हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी टाइम्स में। आज आपको एक कई स्टूडेंट्स ने कहा कि कट ऑफ, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऐसे मत समझना कि ये कट ऑफ ऐसे ही है, एकदम बिल्कुल मानो ये वैज्ञानिक तरीके से शोध करके ये कट ऑफ बनाई गई है। ऐसे ही नहीं है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं ऐसे एजुकेशन संबंधी वीडियो ले कर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ। तो पहले 2017 की कट ऑफ, अगर आपने पेपर दिया है, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो 2017 में कट ऑफ, 2015 की भर्ती थी, 2017 में पेपर हुआ और उसमें पहले वाले ही थे जो नए नहीं उम्मीदवार थे। और पेपर की बात करें अगर 2017 और 18 के लेवल की, तो दोस्तों 2017 का पेपर 2018 के मुकाबले इजी था। जी हाँ दोस्तों, 2018 के पेपर 2017 जैसा नहीं है, वो हार्ड है थोड़ा। मत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ा हार्ड है पेपर। 2017 जैसा नहीं है, इतना सरल नहीं है मतलब। तो 2017 में कट ऑफ लगभग 28-30 यहाँ गई थी फिजिकल की। दोस्तों फिजिकल की कट ऑफ है 28-30 के लगभग यहाँ गई थी, जो फिजिकल की कट ऑफ है 328, 330। दोस्तों 200 नहीं, 328 और 330, 322 यहाँ तक कट ऑफ गई थी अलग अलग कैटेगरी की। तो ये मान के चलिए भी 328 गई थी। और बाद में दो जो फिजिकल हो गया, फिजिकल 10 किलोमीटर की दौड़ थी, अब की बार 5 किलोमीटर की दौड़ है। तो इसमें उसके बाद में स्केलिंग की गई थी दोस्तों, स्केलिंग की गई थी। इसकी वजह से अलग अलग, हम पूरा ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 352 नंबर फाइनल कट ऑफ गई थी ओबीसी की, मतलब एक पेपर में, क्योंकि स्केलिंग होती है तब हम अनुमान नहीं लगा सकते। 352 फाइनल कट ऑफ, तो ये इसीलिए गई थी क्योंकि थोड़ा पेपर आसान था। 352 कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ स्केलिंग करके, ऐसे नहीं दोस्तों ये एकदम फाइनल है, स्केलिंग करके। एक ही पेपर की बात कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि कईयों की 40 भी गई होगी 300, और कईयों की 328 भी गई होगी फाइनल भी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं 2018 के कट ऑफ की। चलिए 2018 के कट ऑफ, 2018 में पेपर जो अब देखे हैं 20 तारीख से लेकर, आज दोस्तों 28 तारीख है, 28 तारीख, 20 तारीख से 28 तारीख, 8 दिन का एकदम स्टिक अनुमान, मतलब पेपर ऐसे मानो कि एकदम दे के पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो पहले हम नंबरों की बात कर लेते हैं। चलिए रीजनिंग का पेपर अगर आपने दिया है तो देखा होगा कि सरल था, आप मतलब 40 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन मान लीजिए, गुणा में 4, तो 160 नंबर बनते हैं दोस्तों। मतलब आप अच्छी अच्छी रीजनिंग करके आए हैं, तो क्योंकि रीजनिंग दोस्तों आसान थी, उसमें मैथ के क्वेश्चन थे पर हार्ड नहीं थे। तो आप मतलब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो एक मान ली कट जाता है, तो 40 नंबर, मतलब 40 नंबर आपके सुरक्षित रहते हैं अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो। एक मतलब 40 क्वेश्चन तो 160 नंबर बनते हैं। और मैथ की वो बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में आप ऐसे नहीं है कि आपको राजस्थान जीके नहीं आता है, क्योंकि आपकी राजस्थान पुलिस की तैयारी की होगी आपने। ये मैं आशा करता हूँ कि आपने तभी ये फार्म अप्लाई किया है जब आपने राजस्थान पुलिस की तैयारी में की है, और उसमें घपला घुपलाबाजी से निकल गए हैं आप बाहर, उसमें बहुत घपला भी हुआ है। ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है जो कभी ऐसे घपले नहीं करेगी दोस्तों, इस पर विश्वास रखिए। तो
20 नंबर उसमें आप ला सकते हैं, 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आपने राजस्थान पुलिस की तैयारी अच्छी की होगी। तो स्पेशल तो दोस्तों किसी ने नहीं की जेल भरने की तैयारी, और कई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो भी इतने ही करेंगे। वो ऐसे मत समझना कि आप वो कहीं ज़्यादा कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, सभी समान होते हैं। तो 80 नंबर आप इसमें समझ लीजिए। अब अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, अच्छा वाइस से आप मतलब कम भी समझ सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने ये कह दिया तो आप इतने ही समझेंगे। और उसमें भारत जीके वाला जो पार्ट है उसमें आप समझिए कि आपके 10 नंबर है, 10% सही है तो है, या नहीं है तो नहीं भी है, इससे कम भी है, 6 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो आप मान के चलिए भी आपके मान लिए मतलब औरों में कम ज़्यादा हो सकते हैं 40। तो आप दोस्तों इसे जोड़िए ये कितने नंबर हो गए हैं, 120 और 160, 160 जोड़ लीजिए ये 217 में, अच्छा 200 ठीक है, तो ये टोटल टोटल जोड़ लीजिए, ये टोटल 280 नंबर बनेंगे लगभग मेरे आईडी से, 80 280 नंबर, ये 280 हो गए। तो अब पेपर हमारा था 400 नंबरों का, 280 नंबर हमने सुरक्षित कर लिए। तो अब 280 नंबरों की लगभग कट ऑफ, पहले मैं फिजिकल की बताता हूँ, फिजिकल की दोस्तों कट ऑफ जाएगी अगर 200 नंबर 80 नंबर बनते हैं तो अपने फिजिकल की कट ऑफ जाएगी 250 नंबर, 250 नंबर आप फिजिकल की कट ऑफ माने। अगर आपके 250 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है दोस्तों, क्योंकि उसमें आगे फिजिकल भी है, और फिजिकल में जो कई पेपर में निकल जाते हैं वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिजिकल है इसमें। आप 100 नंबर का फिजिकल है, 100 में से 100 लेके आइए तो आपके 350 नंबर बढ़ेंगे, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो 250 मान के चलिए, इससे मैं कहता हूँ भी इससे 5-7 नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 250 नंबर और फाइनल कट ऑफ, मतलब आप 280 नंबर अच्छे स्कोर के रूप में हैं तो आप 250 फिजिकल में जाएंगे, और ये सभी कैटेगरियों का औसत माननीय है, आप इससे मतलब कम भी होंगे, ज़्यादा तो चांस नहीं है, कम भी होंगे। तो दोस्तों ये है कट ऑफ 2018, आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, ये कट ऑफ ऐसे ही नहीं बताई दोस्तों, बहुत एक्सपीरियंस्ड कट ऑफ है ये। तो और फाइनल कट ऑफ होगी वो 280 के आसपास घूमेंगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर कोई भी जानकारी हो तो कमेंट में पूछना, मैं कमेंट में हर क्वेश्चन का आपका जवाब मैं टिप्पणी में दे दूंगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि मैं कभी जवाब नहीं देता, मैं हर क्वेश्चन के हर प्रत्येक स्टूडेंट्स को जवाब देता हूं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़ें, और धन्यवाद दोस्तों।